हेलो एंड वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राहिल चौधरी और आज डिस्कस करेंगे हम ड्राई आईज के बारे में। ड्राई आईज मतलब आंखों में सूखापन, आंखों में रूखापन, ऐसा लगना कि आंखें फ्रेश नहीं है, आंखों में लाली आना, आंखों में खुजली मचना, ये ऐसा लगना कि आंखों में रेत भरी हुई है। तो ये सिम्टम्स होते हैं ड्राई आईज के। तो क्या होती हैं ये ड्राई आईज, क्यों होती हैं ये ड्राई आईज और इसकी लेटेस्ट ट्रीटमेंट आजकल कौन सी अवेलेबल है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ IPL इंटेंस पल्स लाइट, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है आजकल ड्राई आईज की, उसकी पहली मशीन अब इंडिया में लग चुकी है। तो ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो अगर ये आप सारी जानकारी चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो आंखों में ड्राइनेस होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बढ़ती उम्र के साथ या एजिंग के साथ देखी जाती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ आपके आंखों के आंसू जो हैं वो बनने कम हो जाते हैं और आंखों में ड्राइनेस फील हो सकती है। ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है, या फिर अगर आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो तब भी आंखों में ड्राइनेस बन सकती है। अगर आप पानी कम पीते हैं या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक कोलास का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीज़ें बॉडी में से पानी निकाल देती है, उसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस बन जाती है। अगर आप धूप पॉल्यूशन, स्मोक या गर्मी में ज़्यादा निकलते हैं तो आपके आंखों के आंसू जो वो जल्दी जल्दी सूखना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से भी आंखों में ड्राइनेस बन सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय से कुछ आंखों में दवाइयां डाल रहे हैं, जैसे ग्लूकोमा के पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं, उसकी वजह से भी आंखों में ड्राइनेस बन सकती है। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे समय तक आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब भी आप लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल या लैपटॉप पे देखते हैं, तो आंखों का जो ब्लिंक रेट है, आंखों का जो झपकने का रेट है, जो एक मिनट में 15 से 20 होना चाहिए, वो कम होकर 4 से 5 रह जाता है। इसकी वजह से जो आंखों में आंसू बनते हैं वो प्रॉपरली आंखों के ऊपर नहीं फैल पाते और आंखों में ड्राइनेस पैदा होती है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तब भी आंखों में ड्राइनेस पैदा हो सकती है। अगर आप कुछ दवाइयों का सेवन करते हैं, जैसे कि एलर्जी की दवाइयाँ हो गई या हाइपरटेंशन की दवाइयाँ हो गई या डिप्रेशन की दवाइयाँ हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में भी आंखों में ड्राइनेस बन सकती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आंखों में ये ड्राइनेस बनती क्यों है, क्या मैकेनिज्म होता है कि आंखों में ड्राइनेस पैदा हो जाती है। देखिए, इसके लिए आपको एक टर्म समझना बहुत जरूरी है जिसको हम कहते हैं इवेपोरेटिव ड्राई आइस। देखिए, क्या होता है कि जो आपके आंख के आंसू होते हैं उसके ऊपर एक ऑयली लेयर या फिर एक लिपिड लेयर होती है जो इन आंसुओं को सूखने से रोकती है, इवेपोरेट होने से रोकती है। ये जो ऑयली लेयर है ये आंखों में एक स्पेशल ग्लैंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेबोनियन ग्लैंड, जो आपकी आंखों के पलकों में होते हैं। अगर किसी वजह से ये लिपिड लेयर बननी कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो आपके आंखों के जो आंसू हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर को या एनवायरनमेंट को, और उसकी वजह से ये जो आंसू हैं ये जल्दी जल्दी सूखना शुरू हो जाते हैं। देखिए, इसका मेन कॉज रहता है कि ये जो मेबोनियन ग्लैंड है, अगर ये किसी वजह से ये ऑयल कम बनाना शुरू कर दें या फिर जो डक्ट्स है जो ये ऑयल मेबोनियन ग्लैंड से आंखों में ट्रांसफर करती है वो डक्ट बंद हो जाए, तो ये लिपिड लेयर जो है ये पतली हो जाती है या ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से ये इवेपोरेटिव ड्राई आईज के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और आपकी आंखों में सूखापन फील होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस आ रही है, अगर आप खुश्की, लाली, इचीनेस से परेशान हैं, तो आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ एडवाइस दे रहा हूँ कैसे अपनी ड्राइनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो होता है लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स। ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स बहुत ईजीली किसी भी केमिस्ट या फार्मेसी में अवेलेबल है। इन ड्रॉप्स को लेके आपको दिन में 4 से 5 बार डालना चाहिए जिससे आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा तो इनके साथ आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स भी खा सकते हैं। वो कैप्सूल दिन में एक बार खाना होता है करीब 3 से 4 महीने और वो भी काफ़ी आपकी हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में और ड्राइनेस में रिलीफ लाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है हीटिंग आई मास्क। ये हीटिंग आई मास्क एक स्पेशल तरह का मास्क होता है जिसको माइक्रोवेव में करीब 4 से 5 सेकंड रखना होता है, और जब ये मास्क गर्म हो जाता है तो आपको अपनी आंख में कुछ इस तरह से लगाना होता है। ये मास्क करता क्या है कि जो इस मास्क में हीट जमा हो जाती है माइक्रोवेव से, वो आपकी आंखों के पलकों में डिलीवर करता है, जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं जो मैंने आपको बताया मेबोनियन ग्लैंड बनाता है वो पिघल के आंखों में आना शुरू हो जाते हैं और ड्राइनेस कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप ये मास्क यूज़ कर रहे हैं कि हीट देने के बाद जब ये मास्क अपनी आंखों में लगा लेते हैं
5 से 10 सेकंड माइक्रोवेव में गर्म करके करीब 5 से 10 मिनट आंखों में लगाना है और फिर उसके बाद आंखों की मसाज करना बहुत जरूरी है। तो जब हीट डिलीवर हो जाए तो उसके बाद अपनी आंखों को नीचे की तरफ इस तरह से मसाज करें ताकि जो आंखों की पलकों में ऑयल है वो आपकी आंखों में एक्सट्रैक्ट हो जाए और आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अगर इन सब चीज़ों से बात नहीं बन रही, फिर भी आपको ड्राइनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर भी अगर आप परेशान हैं ड्राइनेस को लेके, तो फिर आपको IPL टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। तो अब जब हम IPL या इंटेंस पल्स लाइट की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो ड्राई आइज की लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसमें दो तरह की मशीन्स होती हैं। जो पहली मशीन होती है वो होती है डायग्नोस्टिक मशीन और जो सेकेंड मशीन होती है वो होती है ट्रीटमेंट मशीन। तो डायग्नोस्टिक मशीन में हम लोग तीन तरह के टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट होता है इंटरफेरोमेट्री। इंटरफेरोमेट्री में जो आपके पलकों से लिपिड लेयर या जो ऑयली लेयर मैंने आपको बताई थी आती है आंसुओं के ऊपर, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा हो जिसकी वजह से आंखों में सूखापन या ड्राइनेस बन रही हो। सेकेंड ट्रीटमेंट जो करते हैं उसको हम कहते हैं मीबोग्राफी। मीबोग्राफी मतलब मीबोनियन ग्लैंड जो आपके ये लिपिड लेयर बनाते हैं जो आंखों की पलकों में होते हैं, उसकी इमेजिंग करते हैं, उसकी फोटो खींच के देखते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सूख गए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन डक्ट से ऑयल निकलना है जो आंखों में आना है वो डक्ट कहीं बंद हो गई है या ब्लॉक हो गई है। तो मीबोग्राफी से हम उन सारी डक्ट्स को और मीबोनियन ग्लैंड की फोटो खींचते हैं, एक तरह से उनका एक्सरे या सीटी स्कैन होता है ये देखने के लिए कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। थर्ड चीज जो हम करते हैं उसको कहते हैं नॉन इन्वेसिव टियर फिल्म ब्रेकअप टाइम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आंखों पे लाइट प्रोजेक्ट करके ग्रिड्स के माध्यम से ये देखते हैं कि आपकी आंसू की जो लेयर है वो स्टेबल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी स्टेबिलिटी में कोई इश्यू आ रहा है। तो ये सारे तीन टेस्ट करके, जो आपके इंटरफेरोमेट्री होती है, मीबोग्राफी होती है और जो आपका नॉन इन्वेसिव टियर फिल्म ब्रेकअप टाइम होता है, इन तीनों टेस्ट को करने के बाद एक इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी आंखों की ड्राइनेस की कितनी सेवेरिटी है और उसके हिसाब से आपको कितना ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। तो एक बारी जब हमारे पास ड्राई आई की रिपोर्ट हमारे आंखों के सामने होती है, उसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम IPL टेक्नोलॉजी या इंटेंस पल्स लाइट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करती है कि आपकी आंखों में एक स्पेशल तरह की लाइट पल्स को डिलीवर करती है। और ये लाइट पल्स क्या करती है कि आपके आंखों के आसपास जो एक नर्व का सिस्टम होता है जिसको हम पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको ये स्टिमुलेट करती है, उसको एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में जो लिपिड का सिक्रीशन है जो मीबोनियन ग्लैंड से आना था वो सिक्रीशन बढ़ जाता है और आंखों की ड्राइनेस जो है वो ठीक हो जाती है। तो इसको करने का एक स्पेशल तरीका होता है। पहले आंखों में कुछ इस तरह का मास्क लगाया जाता है और फिर आंखों के अराउंड एक जेल डाला जाता है। उसके बाद एक डिजायर्ड एनर्जी लेवल को सेट करा जाता है और आंखों में 5 पल्स लाइट्स डिलीवर करी जाती हैं पर आई। और ये 5 पल्स लाइट्स कुछ इस तरह से डिलीवर करी जाती है, एक आंख में, फिर उसके बाद दूसरी आंख में। तो जब आप इस ट्रीटमेंट को कर लेते हैं तो इसका असर कुछ 2 से 5 दिन में आना शुरू होता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट का असर डिपेंड करता है कि आपकी आंखों में ड्राइनेस कितनी है। अगर आंखों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हमें ज़्यादा सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ड्राइनेस कम है तो मिनिमम इसमें 3 सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इनकी सिटिंग्स 15 दिन, 30 दिन और 45 डेज पे जो है वो करी जाती है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हुए कि ड्राई आइज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग आजकल हमारे हॉस्पिटल में आते हैं जिनको ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है और आजकल लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या आई जेलीज या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर आई मास्क एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जो लोग इन ऑप्शन से अनकंफर्टेबल हैं या इन ऑप्शन का यूज नहीं करना चाहते, उनके लिए आजकल IPL टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो IPL टेक्नोलॉजी का एडवांटेज बेसिकली वो लोग ले सकते हैं जिनको इवेपोरेटिव ड्राई आइज होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आंखों में लिपिड लेयर जो है वो कम हो जाती है। अगर आप लेजर सर्जरी या लेसिक सर्जरी कराने का प्लान कर रहे हैं तो उसके चेकअप में भी ये यूज हो सकता है।
अगर आप आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं लंबे समय के लिए, जैसे ग्लूकोमा पेशेंट्स होते हैं, तो उन लोगों में भी ड्राइनेस जो है वो बनना शुरू हो जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी से वो एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपकी आंखों में यूजुअली ड्राइनेस आ रही है या ड्राइनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं और आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो उन लोगों में भी IPL टेक्नोलॉजी बहुत एडवांटेज देती है। अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, सफ़ेद मोतिया का, और आंखों में MGD की प्रॉब्लम है, तब भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेज़र सर्जरी या लेसिक सर्जरी करवा चुके हैं और उसके बाद जो ड्राइनेस है वो परसिस्ट कर रही है, वो ठीक नहीं हो रही लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालने के बाद, तो भी इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उठा सकते हैं। या अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस आ रही है, तो भी IPL टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद होती है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिली होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई जल्द से जल्द कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।